हेलो क्लास 10 साइंस, दिस इज डेट 8th of June 2020। दिस इज केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दिस इज लेक्चर 3 ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। है ना, पहला दो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, मेक श्योर करो कि पहला दो लेक्चर देख लो। जिन्होंने पहला दो लेक्चर देख लिया है, लेक्चर 3 में अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन से हमारा एक चैप्टर है वो स्टार्ट किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखने के लिए आपको एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.4 देखने के लिए बोला जा रहा है। बुक खोल करके जो लोग बैठे हुए हैं, बिना बुक खोल करके सिर्फ फोटो खींचते रहने पर काम नहीं चलेगा। एक्टिविटी 1.4 निकालो, एनसीईआरटी बुक निकालो, एक्टिविटी 1.4 एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक्टिविटी नंबर 1.4 है ना। इसमें क्या बोल रहा है देखो, एक फिगर भी है 1.3, एक फिगर भी दिया हुआ 1.3 और एक्टिविटी दिया हुआ 1.4। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो पहले इस एक्टिविटी को पढ़ो। बोल रहा टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसी को क्विक लाइम भी बोला जाता है, इन अ बीकर। एक्टिविटी 1.4 पे केवल मेरा मुंह देखने पर नहीं होगा, एनसीईआरटी का बुक निकाली और पढ़ी। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर और स्लोली एड वाटर टू दिस। क्विक लाइम मतलब चूना होता है, चूना में पानी मिलाने के लिए बोल रहा है। चूना जो आप लोग दुकान से खरीदे होंगे या फिर देखे होंगे, उसको एक बीकर में रखना है और उसमें पानी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। और देखो बगल में एक फिगर भी दिया हुआ, बोला है उसको बाहर से उस बीकर को छू करके देखो, वो बाद में देखेंगे क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या टेम्परेचर में कुछ राइज दिखा या फिर आपको क्या दिखा उस रिएक्शन में, क्या दिखा। यही एक्टिविटी 1.4 में बोला जा रहा है। तो ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि सबके घर में कभी ना कभी, जब आपके घर में चूना हुआ होगा तो कभी ना कभी जरूर देखा होगा आपने। ये क्विक लाइम चूना, पानी जैसे ही ऐड करेंगे तो उसमें पानी में बबल्स निकलने लगेगा, बीकर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और वहां पर जो सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग कहते हैं स्लेग लाइम, CaOH का होल ट्वाइस पानी के अंदर बनेगा, इसे एक्वस। क्विक लाइम चूना लिए, पानी मिलाए, बुलबुला निकला, टेम्परेचर राइज किया और एक सब्सटेंस बना जिसको कि हम लोग कहते हैं स्लेग लाइम। ये जो स्लेग लाइम है इसी को फिर लेकर के आप दीवार पे जो है वो लगा देते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल उसका काम नहीं है। अभी आपको क्या लेना था, लेना था चूना, पानी मिलाना था और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, उसको हम लोग कहते हैं स्लेग लाइम। या फिर कोयला लेंगे या फिर किसी भी फॉर्म का कार्बन और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, बर्न करवा देंगे तो बनेगा CO2। H2 और O2 को रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो बनेगा H2O। इन तीनों रिएक्शन में अगर आप देखें तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा है, एग्जाम्पल दो दो वाला है, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट किया और कंबाइन कर गया, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट किया, कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट, कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट बनाया, कंबाइन किया एक प्रोडक्ट, कंबाइन किया एक प्रोडक्ट, कंबाइन किया एक प्रोडक्ट बनाया। तो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखते भी रहना है इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना, इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और When two or more substances, अब केमिस्ट्री में पहले ही पता है सब्सटेंस मतलब आलू को भी थोड़ी, सब्सटेंसेस मतलब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स लेंगे। When two or more substances, elements or compounds combines to form a single product, the reactions are called combination reactions। और ये तीनों एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ये तीनों एग्जाम्पल को आप लोग अभी नोट कर लें और पहले के वीडियोस में भी बताया गया है जिस जिस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उस रिएक्शन को, उस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा ईमानदारी से ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो दीज थ्री आर एग्जांपल्स ऑफ आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देयर कैन बी मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बट स्कूल एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी बुक में दीज आर द रिएक्शंस मेंशनड इन द फॉर्म ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A type of chemical reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction, or when two or more substances, elements or compounds
combines to form a single product, then the reactions are called combination reaction. और examples को लिख लेंगे तीनों को. तो यहां तक पढ़ने के बाद अब नोट बनाएंगे और आगे देखेंगे. अभी एक एग्जाम्पल आपने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला. कार्बन है बट ऐसे कोयला के फॉर्म में समझाया गया है. जब कोयला जलाते हैं हम लोग तो पागल थोड़ी है कोयला को जलाते हैं. कोयला को क्यों जलाते हैं? कोयला को जलाने पर आप लोगों को सबको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस तो होता है बट साथ साथ उसमें ढेर सारा हीट एनर्जी भी रिलीज होता है. कोयला इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब उसको हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है, साथ साथ उसमें ढेर सारा हीट एनर्जी भी निकलता है. अगर आप ध्यान से देखें तो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो एग्जाम्पल था. ये तो हम लोग पढ़ लिए, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल तो था ही. बट ऐसा केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट तो बना, जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, कॉम्बिनेशन पढ़ते पढ़ते ये रिएक्शन आ गया. हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए, बट उसी डेफिनेशन उसी एग्जाम्पल में लिखते लिखते एक ऐसा रिएक्शन के बारे में पता चला, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट तो बना, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हुआ. ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जैसे कोल को जब जलाते हैं तो कोयला जला, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस तो हुआ, साथ साथ हीट एनर्जी भी इवॉल्व हुआ, रिलीज हुआ. तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल तो था ही बट ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन गैस है, मीथेन गैस, नेचुरल गैस, मीथेन गैस CH4, इसको जब हम लोग बर्न करते हैं तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर गैसियस फॉर्म में, एकदम स्टीम फॉर्म में निकल जाता है और साथ में इस रिएक्शन में भी ढेर सारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है बट एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है. ये जो क्विक लाइम वाला आपने देखा था, क्विक लाइम था, थोड़े देर पहले एग्जाम्पल लिखे थे, पानी मिलाओगे चूना में पानी, स्लेट लाइन बनेगा, उसमें हीट एनर्जी आपको दिखता है, बुलबुला बहुत तेजी से आपको पूरा पानी, जब चूना में पानी मिलाएंगे तो आपको पूरा खोलता हुआ बीकर पूरा लगेगा कि वो खोल रहा है पानी. बाहर से बीकर को छुओगे तो छूने लायक नहीं, पूरा लगेगा कि हाथ जल गया. मतलब पूरा रिएक्शन में ढेर सारा एनर्जी भी रिलीज हुआ. तो ये जो एग्जाम्पल है वो थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल में भी लिखे थे बट अभी फिलहाल यह टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसको ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग लिख करके रख लेंगे. लिखो आराम से. इसके आगे वाला जो टर्म है वो बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी केमिस्ट्री. तो डाइजेशन, वैसे तो अभी आपने अभी ट्यूशन में मतलब बायोलॉजी का पहला चैप्टर नहीं हुआ बट आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो हमारा ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के समय राइस, पोटैटोस, ब्रेड्स, ये सब कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट्स और डाइजेशन के समय यही ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, विच आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज. ये डाइजेशन में होता है ना, ये सब छोटे क्लास में भी पढ़ा था, अभी टेंथ में दोबारा से पढ़ेंगे. अब यही जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि हमारे बॉडी के सेल्स में मौजूद होता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी. इसी रिएक्शन को ही हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं. आपने छोटे क्लास में पढ़ा था, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, क्लास 7th में 8th में आपने पढ़ा था. रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज जो है फूड बोल सकते हो, ये सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. और क्यों रिएक्ट करेगा? खाना क्यों खाए? खाना खाए डाइजेशन में, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में और रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज हमारे सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है. 2-3 क्लास में आपने पढ़ा था फूड गिव्स अस एनर्जी. फिर 10th तक आते आते देखेंगे ऐसे फूड गिव्स अस एनर्जी ऐसे नहीं है,
पहले डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन के मदद से कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमको एनर्जी प्रोड्यूस प्रोवाइड करवाता है। इस रिएक्शन को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और आज के डेफिनेशन के हिसाब से ये ग्लूकोज है C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ एनर्जी देता है, यही एनर्जी हम लोगों को मिलता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी देता है। इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग काम करने में, मूव करने में, बात करने में, मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में और पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करने में इस्तेमाल करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। इस रिएक्शन को हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन रिएक्शन। और आज के टॉपिक के हिसाब से रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बना और एनर्जी मिला, ऐसे रिएक्शन को ही तो हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हम लोगों को याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पढ़ तो रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशन पढ़ते पढ़ते आ गए हम लोग एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक पढ़ते पढ़ते आ गए रेस्पिरेशन रिएक्शन में। इन सबको नोट करके रखो जल्दी जल्दी फटाफट। तो नोट में सेकेंड नंबर पर देखो द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसको भी ध्यान से देख लो जरा। इसका केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि ग्रंथ पर नहीं है, बट ये चीज मेंशन किया हुआ है किताब में, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये थोड़ा सा अलग तरह का है, क्योंकि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना होता है ना, जो कि जस्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो कॉमन सेंस तो कहता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी निकलता है और यहाँ पर डीकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है। टूटने के लिए एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का जरूरत होता है। अच्छे से समझ रहे इसको, उतना डिटेल्स में बुक में नहीं दिया हुआ, बट जो लोग अच्छे हैं साइंस थोड़ा समझते हैं उन लोग थोड़ा एनालाइज करना। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना होता है, किसी भी चीज को तोड़ना है तो उसमें एनर्जी तो आपको देना पड़ेगा ना, बट एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलता है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जो लोग एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं उन लोग थोड़ा बताते हैं मेरे को कि सर बुक में लिखा हुआ है कि वेजिटेबल मैटर मतलब जो वेजिटेबल का एंड प्रोडक्ट होता है जो कि हम लोग डिकम्पोज करके कंपोस्ट बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंपोस्ट मैन्यूअर्स फर्टिलाइजर्स में जो लगाते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कॉम्पोस्ट ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल कैसे हो गया, क्योंकि इसमें तो टूट रहा है, टूटने के लिए तो एनर्जी चाहिए और एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलता है ना। तो इसमें ये आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है, बट अभी आपको बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है इसको समझ लेंगे। ये जो वेजिटेबल मैटर को जब डिकम्पोज करता है तो माइक्रोब्स है, बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है माइक्रोब्स, ये जब रिएक्ट करता है वेजिटेबल मैटर के साथ तो ये गैस का फॉर्मेशन करता है और ढेर सारा एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। माइक्रोब जब रिएक्ट करता है वेजिटेबल मैटर के साथ तो वो गैस का फॉर्मेशन करता है और ढेर सारा एनर्जी रिलीज करता है। वो जो ढेर सारा एनर्जी रिलीज किया माइक्रोब जब हमारा वेजिटेबल मैटर के साथ रिएक्ट किया, इन प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट किया माइक्रोब्स, गैस बनाया और ढेर सारा एनर्जी रिलीज किया, उस ढेर सारे एनर्जी को रिलीज करने की वजह से ही इस वेजिटेबल मैटर का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और वो कंपोस्ट बन जाता है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है। सिर्फ ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वेजिटेबल मैटर टूट गया, टूटने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो ये एक्सोथर्मिक एग्जांपल कैसे हुआ। बट एक्चुअली में जब माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जब रिएक्ट करता है वेजिटेबल मैटर के साथ तो गैस ढेर सारा निकालता है और बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। वो जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है उस रिलीज एनर्जी में ही इस वेजिटेबल मैटर के बॉन्ड टूटते हैं और टूटने के वजह से ये कंपोस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ढेर सारा एनर्जी रिलीज करता है माइक्रोब जब वेजिटेबल मैटर के साथ रिएक्ट करता है,
तो ढेर सारे एनर्जी रिलीज करता है, इस वजह से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस तरह से रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, उसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इन सबको नोट करके रखो। तो पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा हो गया, तो नोट बना करके और थोड़ा सा इस रिएक्शन को एक बार और देख लेते हैं। ये था चूना, एक लाइन इसमें पानी मिला है, स्लेग लाइन बना। ये अभी आप देखे कि एक कम्बिनेशन का एग्जांपल भी था, ये अभी आप देखे एक जो थर्मिक का एग्जांपल भी था, और घर पर भी देखे होंगे चूना है, पानी में डाले, बुलबुला निकला, पानी खोला और ये बन गया कैल्सियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या हम लोग कहते हैं स्लेग लाइन। फिर क्या करते हैं वो खोलाने के बाद अब बस खत्म, वो जो बना स्लेग लाइन इसको हम लोग लगाते हैं दीवार पर, इसी को लगाते हैं दीवार पर, और ये इसको जब थोड़े देर सूखने के लिए छोड़ देते हो तभी ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, कौन, ये जो स्लेट लाइन है। ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में या किसी भी तरह की लाइट के प्रेजेंस में इसमें ये जो लिक्विड फॉर्म में H2O है ये निकल जाता है, ये जो H2O है ये जो है वो निकल जाएगा, ये जो H2O है वो इस रिएक्शन में से निकल जाएगा, और H2O जब निकल जाए मतलब सूख जाए, है ना, समझ रहे हो, स्लेग लाइन में एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा, पानी वाला पोर्शन जैसे ही सूख जाए तो ये जो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी है, मार्बल भी इसी को कहते हैं। जब ये पानी सूख जाएगा तो जब जिस दीवार पे आपने लगाया था इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके शाइनी फिनिश जो चमकने लगेगा, चूना चमकाने के लिए लगाते हैं दीवार पर, तो दीवार पे जो चमकाहट प्रोड्यूस हुआ वो कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो इस पूरे रिएक्शन को याद रखना है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस रिएक्शन को बदल बदल करके पूछा जाता है। चूना लाएंगे दुकान से, पानी के साथ मिलाएंगे, पानी खोलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइन बनेगा, स्लेग लाइन को दीवार पर लगाएंगे, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सनलाइट उसके वाटर वाला पोर्शन को सुखा देगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मार्बल या फिर लाइमस्टोन, यही आपके दीवार पर जो है वो शाइनिंग इफेक्ट, दीवार जो है वो चमकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसको हम लोग याद करके रख लेंगे, इसको इस रिएक्शन को अलग से हम लोगों को याद करना है। तो पहला रिएक्शन हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन था, अब कम्बिनेशन का ठीक उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा पहले लिख लो, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। कम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कर एक प्रोडक्ट बना रहा था, और डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चला डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना होता है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही जो है वो रिएक्टेंट है ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जादू से तो होगा नहीं, तोड़ना है एक रिएक्टेंट को, तोड़ना है सिंपल प्रोडक्ट में, जादू से तो होगा नहीं, इसके लिए हम लोगों को उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए हम लोग तीन तरह का मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या तो हीट देके रिएक्टेंट को सिंपलर प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे हम लोग रिएक्टेंट में ताकि वो कुछ सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाए, या फिर एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट जिसके वजह से वो जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 10th क्लास के हिसाब से तीन तरह का पढ़ना है। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के मदद से हो तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लाइमस्टोन बन रहा था, जैसे CaCO3 इसमें हीट डालेंगे तो इसमें वापस कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से फॉर्म हो जाएगा। सिंगल रिएक्टेंट था बट प्रोडक्ट एक से ज्यादा हुआ,
हीट दिए और डिकम्पोज कर गया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 7th क्लास में पढ़े थे, अभी 10th क्लास में दोबारा से इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ना है हम लोगों को, बट अभी सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से, ये पानी है, पानी में जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करोगे, तुम प्रोवाइड करोगे, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। पानी था सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक से ज्यादा, जादू से नहीं, एनर्जी देना पड़ा, इस फॉर्म में देना पड़ा इलेक्ट्रिक करंट, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसी तरह से डिकम्पोजिशन, जैसे ये सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड है, जैसे ही सनलाइट पास करोगे सिल्वर क्लोराइड में, तो सिल्वर और क्लोरीन जो है वो डिकम्पोज होकर के बाहर आ जाएगा, ये शायद बैलेंस नहीं है। तो यहां पर भी क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट था एक से ज्यादा प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट था एक से ज्यादा प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट था एक से ज्यादा प्रोडक्ट, जादू से तो हुआ नहीं, इसको करने के लिए भी आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। तो ऐसे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से पहले याद करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स विद हीट, मतलब होने के लिए अगर हीट दोगे तो वैसे डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते समय इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, और अगर सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। इसको लिख करके रखो पहले। अब यहां तक लिख लिया तो इसी में फिर से नोट बना करके देखो, ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ये सब ये जो बना था कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इसको कहते हैं, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। आपके क्लास में है नहीं बट आपको याद करना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम है, इसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग 10th में नहीं 12th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, तो अभी वो रिएक्शन तो नहीं पढ़ना है बट ये याद करके रखना है कि जो क्विक लाइम इस रिएक्शन से बना लाइम स्टोन से थर्मल डिकम्पोजिशन में, उसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ठीक है, पहला नंबर पर ये हो गया। दूसरा, इस फोटोलाइसिस वाले को देखो, ये जिस तरह से AgCl में सनलाइट से Ag और Cl2 अलग हो गया, वैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हो तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन गैस जो है वो अलग हो जाता है। इसमें एक एक्टिविटी देखने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, आप लोगों को देखना है एक्टिविटी 1.8 फिगर 1.7 एनसीईआरटी निकालो और देखो, देखो बिना देखे नहीं होगा, जो छापा छुपी करने से केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लियर नहीं हो पाता है। आप लोग देखें फिगर 1.7 निकालो, फिगर 1.7, फिगर 1.7 और एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 1.8 देखो, एक्टिविटी 1.8 फिगर एनसीईआरटी बुक में है, 1.7 साइड बुक से जो लोग पढ़ रहे हो उन लोग मेरा क्लास छोड़ दे, है ना, जो लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं उन लोग देखें क्या कर एक्टिविटी को थोड़ा पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो क्या बोल रहा है। टेक अबाउट 2 grams ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को लेने के लिए बोला गया है। सिल्वर क्लोराइड का कलर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है व्हाइट कलर का, और उसको बोला है कि इसको चाइना डिश में रखो और सनलाइट से एक्सपोज करवा दो, सनलाइट से एक्सपोज करवा दो, सनलाइट से एक्सपोज करवा दो। एक्सपोज जैसे ही करवाओगे तो तैसे ही तुमको दिखेगा कि वो जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है वो तुमको ग्रे कलर में बनते हुए दिखेगा, ग्रे कलर में बनते हुए दिखेगा, वो जो ग्रे कलर में है वो सिल्वर का कलर है। तो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था और जैसे ही उसमें सनलाइट मारे फोटोलाइसिस रिएक्शन हुआ, क्लोरीन गैस बाहर निकल गया और वो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर के सिल्वर में बन गया। ऐसे ही रिएक्शन का इस्तेमाल, इसको लिख करके रख लोगे नोट बना करके, अबाउट रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो फोटोलाइसिस रिएक्शन करवाया गया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये जो फोटोलाइसिस रिएक्शन करवाया गया उसी का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, इसको नोट करके रखो पहले ध्यान से। तो कॉम्बिनेशन के बाद पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में
पहले डेफिनेशन देख लिए, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ये तीन तरह का है, अगर हीट से हुआ तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट से हुआ तो इलेक्ट्रोलिसिस, और अगर सनलाइट से हुआ तो फोटोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन में जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है उसका इस्तेमाल सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, और फोटोलाइसिस में जो कलर चेंज हो रहा है व्हाइट से ग्रे, उसका उसी तरह के रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले करते थे, तो ये सब याद करके रखेंगे। अब एक्टिविटी 1.7 देखो, एक्टिविटी 1.7 एनसीईआरटी में, ये एक्टिविटी 1.7 देखो, और ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। एक्टिविटी 1.7 में देख लो, एक्टिविटी 1.7 में वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करना है विद द हेल्प ऑफ कैथोड एंड एनोड। वाटर लेना है और वाटर में कैथोड और एनोड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी आप पढ़े हैं, कैथोड एनोड के मदद से सर्किट कंप्लीट करके पानी को बीकर में ले करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ अदर गैस। ठीक है, अब उस एक्टिविटी में देखो, कुछ लोग आए थे मेरे से डिस्कशन करने के लिए, और 11 साल से पढ़ाते समय मैं देखता हूँ वो जो टेस्ट ट्यूब बनाया हुआ है, टेस्ट ट्यूब जो बनाया हुआ एक्टिविटी 1.7 में, उसमें जो बुलबुला है, बुलबुला टाइप का दिख रहा होगा, उस बुलबुला को नहीं देखना है बच्चों, बुलबुला गैस को डिनोट नहीं कर रहा है, बुलबुला को नहीं देखना। हम लोग जब स्कूल टाइम में थे तो भी कंफ्यूजन होता था, बुलबुला को नहीं देखना है बच्चों। ये जो टेस्ट ट्यूब बनाया हुआ है, ये जो टेस्ट ट्यूब आप लोगों को बनाया हुआ है एक्टिविटी 1.7 में, उसमें ऐसे ये जो स्पेस है इस स्पेस को देखना है, गैस तो इस स्पेस में होगा ना बच्चों, समझ में आ रहा है, बुलबुला नहीं देखना है स्पेस देखना है। यहां तक तो वाटर ही चढ़ गया, ऊपर जो स्पेस है इस स्पेस को देखना है, बुलबुला को नहीं देखना है, क्योंकि स्पेस जो है वहीं पर गैस होगा, बुलबुला को नहीं देखना है, स्पेस देखना है। तो स्पेस आप देखेंगे एक गैस का उस टेस्ट ट्यूब में, दूसरे वाले गैस के टेस्ट ट्यूब से स्पेस ज्यादा है, बुलबुला नहीं, स्पेस। ठीक है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे, इसको मैं मिटा दूं, या फिर ऊपर ही देख सकते हो, यहां पर ये जो रिएक्शन हुआ दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, और उसमें ये देखो, ये वाटर का दो मॉलिक्यूल है, बैलेंस करने के बाद ये बैलेंसिंग का कमाल है, ये वाटर का दो मॉलिक्यूल है। जब इसको हम लोग ने तोड़ा इलेक्ट्रिक करंट से तो हाइड्रोजन का दो मॉलिक्यूल बन रहा है, बट ऑक्सीजन का केवल एक मॉलिक्यूल। मतलब जब जब दो दो मॉलिक्यूल पानी का टूटेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस का दो मॉलिक्यूल बनेगा, बट ऑक्सीजन गैस का केवल एक मॉलिक्यूल। जब चार मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये चार और ये दो, जब ये 10 मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये 10 और 5, जब 1000 मॉलिक्यूल टूटेगा तो 1000 और ये 500, 10,000 मॉलिक्यूल टूटेगा तो ये 10,000 और ये 5,000 ही रहेगा। दो मॉलिक्यूल टूटेगा वाटर का तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, केवल एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस का अमाउंट जो है वो डबल होगा। बुलबुला नहीं देखना है, स्पेस देखो, जहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो जो स्पेस देखोगे, स्पेस टेस्ट ट्यूब में जो स्पेस है वो हाइड्रोजन गैस वाले में ज्यादा होगा, ये जो स्पेस है वो हाइड्रोजन गैस वाले में कम होगा, हाइड्रोजन गैस वाले में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन गैस वाले में स्पेस कम होगा। ये वाला जो स्पेस है ये नहीं, यहाँ पर तो पानी है, पानी नहीं देखना है। ये जो स्पेस है, स्पेस हाइड्रोजन गैस का डबल होगा, ये स्पेस हाइड्रोजन गैस का डबल होगा और ऑक्सीजन गैस का कम होगा, क्योंकि जब जब दो मॉलिक्यूल टूटता है वाटर का तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का बनता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इस चीज को आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान से एग्जाम में, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा तो ये रिएक्शन लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे, ये स्पेस दिखा देंगे, स्पेस जो है हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन गैस के कंपेरिजन में दुगुना होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे।
वैसे कैथोड एनोड आप लोग समझते होंगे, अपना किताब में आप लोग देख सकते हो, उतना बड़ा डायग्राम तो मैं बोर्ड पर नहीं बनाऊंगा, बट अपने डायग्राम में देखेंगे। ऑक्सीजन आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, एट्थ क्लास में, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव के तरफ, और पॉजिटिव वाला जो है इस बार एनोड है ना, तो एनोड के पास, एनोड के साथ जो कनेक्टेड है, एनोड के साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जो कनेक्टेड है वहां पर ऑक्सीजन बनेगा, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव होता है ये निगेटिव, निगेटिव इस बार कैथोड, कैथोड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसके साथ कैथोड कनेक्टेड है वहां पर हाइड्रोजन गैस होगा, उसका स्पेस डबल होगा, एनोड ऑक्सीजन स्पेस कम होगा, इलेक्ट्रोलिसिस है, दो मॉलिक्यूल जो पानी का टूटता है इलेक्ट्रिक करंट में, तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन द्वारा एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इसी वजह से हमेशा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का जो स्पेस है उसका जो वॉल्यूम है वो डबल होगा ऑक्सीजन के कंपेरिजन से। टेस्ट ट्यूब में अपने एक्टिविटी 1.7 में इसको अच्छे से देख लोगे, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करके डायग्राम भी बनाना है, तो थोड़ा सा और देख लेंगे। एक्टिविटी 1.5 एनसीईआरटी निकाल रहा है, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.5, फिगर 1.4 एनसीईआरटी में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, एक्टिविटी 1.5 फिगर 1.4, इसमें बोला है फेरस सल्फेट लेने के लिए, उसका कलर नोट करने के लिए बोला है, स्कूल के लैब में आप करके करके देखेंगे, अभी तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये फेरस सल्फेट है, जैसे इसमें हीट करेंगे तो इसमें डिकम्पोजिशन होगा, हीट करने के वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आवर थर्मल डिकम्पोजिशन, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा और SO2 और SO3 गैस का फॉर्मेशन होगा। एक रिएक्टेंट है, हीट किया, एक से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट बना, इसीलिए ये डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। बट एक्टिविटी में समझाया है कि एक्चुअली में जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स है वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि वो हम लोग नोट बना करके लिखेंगे, दिस इज फेरस सल्फेट .7H2O हेप्टाहाइड्रेट, ये इस क्रिस्टल्स में पानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है वो चिपका हुआ रहता है, फेरस सल्फेट का कलर जो है वो ग्रीन नहीं है, बट फेरस सल्फेट में जब पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स बन के चिपके हुए रहते हैं, नाम है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट .7H2O है, तो यही इस फेरस सल्फेट के साथ होने के वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन दिखता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर है वो उसमें से उड़ जाएगा, और उड़ने के वजह से वो व्हाइट कलर का फेरस, फेरस ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो, मतलब ये नहीं, पहले इसमें से 7 मॉलिक्यूल्स उड़ गया तो ये फेरस सल्फेट हुआ, ये फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन नहीं था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर जो है वो ग्रीन था। जैसे ये पानी का मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा ये व्हाइट कलर का आपको फेरस सल्फेट दिखेगा, और जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये जो है वो आपको फेरिक ऑक्साइड दिख जाएगा। इस फेरिक ऑक्साइड का कलर आयरन का कलर है, आयरन का कलर रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउनिश कलर का दिखेगा, और साथ में ये जो दोनों गैस बन रहा था SO2 और SO3, इसमें बहुत ही पंजेंट का मतलब बदबूदार स्मेल होता है, बदबूदार स्मेल सल्फर का बर्न होने का तुमको स्मेल सुंघाई देगा। ये जो पंजेंट स्मेल है दैट इज ड्यू टू SO2 एंड SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, इसके वजह से बर्निंग स्मेल आएगा, पंजेंट स्मेल आएगा, गंदा बदबू आएगा जलता हुआ सल्फर का। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का तो है ही, चेंज इन कलर का भी है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल्स जिसके बारे में आप लोग नाइन्थ क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े थे, नाइन्थ में आप लोग पढ़े थे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू कलर का होता है, वैसे ही फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन नहीं है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कलर का क्रिस्टल जो है वो ग्रीन कलर का है, गर्म करोगे तो फेरस सल्फेट बनेगा वो व्हाइट कलर का होगा, उसके बाद ये जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा ये रेडिश ब्राउनिश होगा, और गंदा सा स्मेल सूंघने में मिलेगा, पंजेंट स्मेल, वो बर्निंग सल्फर का होगा इन दोनों गैस के वजह से। और अंत में अगर देखा जाए तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दो तरह का रिएक्शन हो गया हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन
और डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में तीन थर्मल, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और कम्बिनेशन। पढ़ते पढ़ते बाई चांस हम लोग ने एक्सोथर्मिक और रेस्पिरेशन रिएक्शन पढ़ लिया है, लेक्चर थ्री में यहीं तक रहेगा। जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर ले ध्यान से, और बच्चों एक महीने से ऊपर का क्लास आपका हो चुका है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का क्लास आपका चल रहा है, ट्राई करेंगे अपना फर्स्ट मंथ का जो फी आप लोगों का है ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर उसको अब आप लोग पेमेंट कर दें, क्योंकि अभी बहुत दिन तक आपको ऑनलाइन लेक्चर ही चलेगा, तो क्लास रेगुलर चलते रहे इसके लिए आप और हमको अब मेहनत करना पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके रखो नहीं तो छूट जाएगा, और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को जरूरत है तो शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, यहीं तक रहेगा। थैंक यू।